हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस और ऑप्शन डी शुक्र। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। इस राज्य में बैन होने वाले हैं गोलगप्पे, लेकिन जान लीजिए कि प्रदेश सरकार आखिर ऐसा क्यों करने जा रही है। आपको बताते कि कर्नाटक राज्य के फूड विभाग ने खाद्य गुणवत्ता के मद्देनजर सख्त रुख अपनाया है और पहले ही गोभी मंचूरियन में कृत्रिम रंग और रसायनों के उपयोग पर भी रोक लगाई जा चुकी है और अब सार्वजनिक स्थलों और मॉल में फूड टेस्टिंग किट स्थापित कर खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए निरीक्षण शुरू किया गया है और इस प्रक्रिया में गोलगप्पे के प्रशंसकों को चिंतित कर दिया है व कहीं यह लोकप्रिय स्ट्रीट फूड भी प्रतिबंधित न हो जाए। गोलगप्पे की गुणवत्ता पर लगातार शिकायतें मिलने के बाद फूड विभाग ने गोलगप्पे के निर्माण केंद्रों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है। फूड टेस्टिंग अभियान जारी रखते हुए अब गोलगप्पे को भी जांच के दायरे में लाया गया है। बता दें कि बेंगलुरु में विभिन्न स्थानों से रैंडम तरीके से गोलगप्पे के नमूने एकत्र कर उनकी जांच की जा रही है। बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में 200 से अधिक जगहों से गोलगप्पे के नमूने इकट्ठा किए गए हैं और उन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया है। फूड विभाग अब ये जानने का प्रयास कर रहा है कि गोलगप्पे में उपयोग की जाने वाली पूरी किस प्रकार से बनाई जाती है, उसमें कौन कौन सी सामग्री डाली जाती है और इससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पिछले 2 दिनों में फूड विभाग ने गोलगप्पे निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की है और जांच के लिए एकत्रित किए गए नमूनों को अब प्रयोगशाला में भेजा गया है और कुछ दिनों में रिपोर्ट्स आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि गोलगप्पे पर कर्नाटक में प्रतिबंध लगाया जाएगा या नहीं। घर में लगा है स्मार्ट मीटर, बिल से है परेशान या हो कोई शक तो विभाग करेगा आपकी समस्या का हल। जान लीजिए कैसे कर सकते हैं आप आवेदन। बिजली विभाग के जिन उपभोक्ताओं को मीटर के तेज चलने की शिकायत है वे चेक मीटर से इसकी जांच करवा सकते हैं। चेक मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ता को तय शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद 1 महीने के लिए उपभोक्ता के मौजूदा मीटर के साथ एक चेक मीटर लगाया जाएगा। नए बिल आने पर पुराने मीटर से आने वाले बिल की तुलना करके समस्या हल की जाएगी। बता दें कि बिजली विभाग के उपभोक्ताओं की अक्सर शिकायत रहती है कि उनका मीटर तेज चल रहा है। ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए विभाग ने चेक मीटर की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ये सुविधा पहले भी थी लेकिन अब इसे सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप ट्विटर के माध्यम से भी सुलभ बना दिया गया है। उपभोक्ता यदि सोशल मीडिया के माध्यम से मीटर की शिकायत दर्ज करते हैं तो उनके मीटर के साथ एक अतिरिक्त मीटर लगा दिया जाएगा। इसके बाद नया मीटर पुराने मीटर के साथ ही चलेगा और बाद में दोनों की रीडिंग का मिलान किया जाएगा। अगर रीडिंग में अंतर पाया गया तो पुराने मीटर को बदला जाएगा और पहले उपभोक्ताओं को इस समस्या के लिए कार्यालय में शिकायत करनी होती थी, फिर मीटर को निकालकर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता था जिससे काफी समय लग जाता था और अब चेक मीटर के जरिए ये प्रक्रिया काफी सरल हो गई है। बिहार के आरा बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता अविनाश कुमार ने बताया कि उपभोक्ता चेक मीटर के लिए 3 तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता विभाग के कार्यालय में जाकर अधिकारियों के CUG नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ईमेल ID पर संदेश भेजकर चेक मीटर लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी शिकायत की जा सकती है और अधीक्षण अभियंता कुमार ने बताया कि 1 महीने की जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपका मीटर तेज चल रहा है या नहीं। यदि मीटर तेज चलता हुआ पाया गया तो उसे नियम के मुताबिक बदला जाएगा। चेक मीटर आम तौर पर सार्वजनिक जगहों जैसे कि पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र या फिर मुखिया के दरवाजे पर मुफ्त में लगाया जाता है। इससे एक से अधिक उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान एक साथ हो जाता है और विभाग को भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। 3 महीने में 120 करोड़ की हुई ठगी, OTP नहीं अब डिजिटल अरेस्ट के बहाने हो रही है धोखाधड़ी। PM मोदी ने बचाव के लिए दिए 3 मंत्र। डिजिटल फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम के चलते भारतीयों ने 3 महीने के अंदर 120 करोड़ रुपए गवा दिए हैं और इस संगीन अपराध के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर चिंता जताई। मन की बात कार्यक्रम PM मोदी ने किया था, उसमें PM मोदी ने इस तरह के अपराध को लेकर देशवासियों को सतर्क किया और इससे बचाव के उपाय भी बताए। सरकार
भारी साइबर अपराध डेटा से पता चलता है कि इस साल के पहले 3 महीने यानी कि जनवरी से अप्रैल में भारतीय नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर क्राइम के कारण 120.30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। महानगरों से लेकर शहरों तक कई लोग इसके शिकार भी हो चुके हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने भी डिजिटल वर्ल्ड में उभरते हुए डिजिटल अरेस्ट को गंभीर खतरा बताया और लोगों को इससे बचने के तरीके भी बताए। अब थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते इस चलन के बीच डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगों के लिए डराने धमकाने का अब एक नया हथियार है। इसमें किसी भी व्यक्ति को फोन पर वीडियो कॉल के जरिए डराया धमकाया जाता है कि उसका बेटा, पिता या फिर कोई रिश्तेदार गिरफ्तार कर लिया गया है और जुर्माना देने के बाद रिहाई होगी। हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो कॉल में तकनीक के जरिए सरकारी एजेंसी के ऑफिस या फिर पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, वहीं ठगी करने वाला व्यक्ति पुलिस अपड्रेस में या फिर अन्य एजेंसी के अधिकारी के तौर पर धमकाता है। ऐसे में मामलों में अक्सर लोग डर जाते हैं और लोगों की इसी घबराहट का फायदा उठाकर ये साइबर अपराधी ठगी करने में कामयाब हो जाते हैं। गृह मंत्रालय भारतीय साइबर अपराध कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर साइबर अपराध की निगरानी करता है और इस दौरान पता चलता है कि डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन फ्रॉड का एक नया प्रचलित तरीका बन गया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में बैठकर ये साइबर अपराधी भारतीयों को निशाना बना रहे हैं। सरकार के एक फैसले से बिल्डरों की हुई मौज, घर खरीदार भी हैप्पी, सरकारी खजाने में भी आए 547 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने को लाई गई ब्याज छूट योजना रंग दिखा रही है। सरकार की इस छूट से जहां बिल्डर्स को अपने अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मिल रही है, वहीं घर खरीदारों का भी अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में ब्याज छूट वाली योजना लागू होने के बाद इस वर्ष फरवरी से अब तक 8106 फ्लैटों का पंजीकरण किया गया है। यह जानकारी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में सामने आई है। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल मार्च तक 8000 और फ्लैटों की रजिस्ट्री होने की संभावना है। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने प्रदेश में अटके हुए रियल एस्टेट को पूरा करने के लिए विकल्प तलाशने को सेवानिवृत्त नौकरशाह अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने सिफारिश की थी कि जो बिल्डर उसकी और बकाया रकम का 25% अग्रिम भुगतान करता है, उसे कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए ब्याज से छूट दी जाए। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया और बिल्डरों को यह विकल्प दे दिया। बिल्डर्स ने भी इसे हाथों हाथ लिया। पीएम मोदी ही खत्म करवाएंगे अब रूस यूक्रेन की जंग, अब तो जेलेंस्की को भी हो गया यकीन, कहा भारत की यही अहमियत। रूस और यूक्रेन के बीच जंग कब खत्म होगी यह तो कोई जानता नहीं है, मगर रूस और यूक्रेन युद्ध को पीएम मोदी खत्म करवा सकते हैं। खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को भी यकीन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन जंग को खत्म करवा सकते हैं। किसी भी जंग में उनकी यही सबसे बड़ी अहमियत है, भारत की यही सबसे बड़ी अहमियत है। दरअसल पीएम मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो जंग के बीच रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि भारत शांति की वकालत करता है और बातचीत के जरिए ही युद्ध समाप्त हो सकता है। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने माना कि पीएम मोदी यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत करवा सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं है, ये भारत में हो सकता है और पीएम मोदी युद्ध खत्म करवा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें खुद को तैयार रहना होगा और वो भी अपने हिसाब से, क्योंकि जंग हमारी धरती पर हो रही है। हमारे पास एक मंच है और वो है शांति शिखर सम्मेलन। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग में पिछले कुछ समय से जेलेंस्की दबाव महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी चुनाव को लेकर भी यूक्रेन को सैन्य सपोर्ट पर संशय के बादल हैं। हालांकि अमेरिका ही उसका सबसे बड़ा सैन्य स्रोत है, अगर अमेरिका में सरकार बदलती है तो यूक्रेन पर उसका बड़ा असर होगा। फुलपुर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के खिलाफ भरा था पर्चा, अब कांग्रेस ने सुरेश यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। कांग्रेस पार्टी से बगावत कर विधानसभा उपचुनाव में फूलपुर सीट से नामांकन दाखिल करने वाले कांग्रेस के गंगापार जिलाध्यक्ष सुरेश यादव को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी ने अनुशासन समिति के सदस्य श्याम किशोर शुक्ला ने कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने पर अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए सुरेश यादव को निष्कासित कर दिया है। निष्कासन पत्र में लिखा है कि 25 अक्टूबर को जारी कारण बताओ नोटिस का सुरेश यादव ने कोई जवाब नहीं दिया, इसके बाद निष्कासन की कार्रवाई की गई। बता दें कि इसके पहले इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाकर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 25 अक्टूबर को जिलाध्यक्ष गंगापार के पद से
सुरेश यादव को हटा दिया था। इसके साथ ही अनुशासन समिति के सदस्य पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ला ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में अनुशासनहीनता के लिए जवाब मांगा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। बिहार के छपरा में थाने में ही महिला पुलिसकर्मी के साथ गलत काम कर रहे थे थानाध्यक्ष, अब एसपी ने किया सस्पेंड। बिहार के छपरा में अमनौर थाने में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल वहां थाने के अंदर महिला पुलिस के साथ गलत हरकत करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक अमनौर के थानाध्यक्ष पर महिला पुलिसकर्मी ने थाने में ही अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी के साथ थानाध्यक्ष के इस बर्ताव की शिकायत होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर सारण के एसपी कुमार आशीष ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जाँच एक महिला डीएसपी से करवाई। वहीं थाने में मिले साक्ष्य के आधार पर तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। वहीं इस मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। इस मामले के बाद पुलिस की छवि पर ही सवाल उठने लगे हैं। डीजल पेट्रोल कारें अब पुरानी बात हो गई। 40% लोग चाहते हैं इस तरह के वाहन, रेस में सबसे पीछे है ईवी। बता दें कि भारतीय वाहन उद्योग इस समय सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ग्राहकों को न तो पेट्रोल डीजल वाले वाहन ज्यादा पसंद है और न ही इलेक्ट्रिक कारें। ग्राहकों को अब इन दोनों ही विकल्पों से इतर कुछ नया चाहिए। ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि उपभोक्ता लग्जरी और टिकाऊ दोनों तरह के विकल्पों की खोज कर रहे हैं। सर्वे में कहा गया है कि भारतीय वाहन क्षेत्र में एक नया युग की शुरुआत हो सकती है। आपको बता दें कि शिफ्टिंग गियर्स अंडरस्टैंडिंग पैसेंजर व्हीकल मार्केट ट्रेंड्स के शीर्षक वाले इस सर्वेक्षण के मुताबिक 85% ग्राहक प्रीमियम मॉडल लेने पर विचार कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में हाइब्रिड वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। सर्वेक्षण में देश भर के 3,500 से अधिक लोगों की राय ली गई थी। हिंदुओं को काटकर का जवाब, हम उन्हें काटकर तुम्हारी जमीन पर फेंक देंगे। बहुसंख्यक लामबंदी से पार होगी भाजपा की नैया। लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद भाजपा पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुटी हुई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। उनका यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक जीवन के एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और हत्या के मामले में राज्य में भयंकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और डॉक्टरों ने लंबे समय तक हड़ताल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को कड़ी फटकार लगाई। वहीं इस घटना ने कहीं न कहीं दीदी की साख में बट्टा लगाया है और ऐसे में उचित मौका देकर भाजपा अपने कैडर में जोश भरने में जुट गई है और वह अभी से ही 2026 की तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी क्रम में भाजपा के सभी दिग्गज एक मंच पर आए। अमित शाह की मौजूदगी में सभी ने एक तरह से 2026 के चुनाव का टोन सेट करने का काम किया। इजरायली तकनीक से बदल रही है भारत के किसानों की तकदीर। 15 दिनों में तैयार हो रही है सब्जियां। खबर है कि थिंडुक्कल जिले के कन्नीवाड़ी के पास रेट्टियार चत्तीरम के में तमिलनाडु का अनोखा काया फल महत्व केंद्र संचालित हो रहा है। बता दें कि तमिलनाडु में यह एकमात्र केंद्र है जहां पर सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधाएं और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। यह केंद्र भारत और इजरायल की साझेदारी से वर्ष 2013 में 7.45 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया था। यहाँ पर उन्नत तकनीक का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता वाली हरित गृह में पौधे तैयार किए जाते हैं। पौधों को समान पानी उपलब्ध कराने के लिए विशेष मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तापमान को नियंत्रित रखने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं जिससे कि पौधों को 24 घंटे उचित हवा मिलती रहती है और खुले में 25 दिन में तैयार होने वाले पौधे यहाँ पर 15 दिनों में खेती के योग्य हो जाते हैं। इस केंद्र में टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी, खीरा, काको, शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, मलबरी जैसे पौधे तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। सीता सोरेन के खिलाफ विवादित बयान, महिला कांग्रेस अपने ही उम्मीदवार पर हमलावर, बुरी फंसी पार्टी। झारखंड के मंत्री और कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी के एक विवादित बयान को लेकर पार्टी बुरी तरह उलझ गई है। दरअसल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। वैसे यह 3 दिन पुराना मामला है, लेकिन अब इस मामले में मंत्री को उनकी ही पार्टी का साथ नहीं मिलता दिख रहा है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इरफान अंसारी के विवादास्पद बयान पर पहले ही भाजपा, कांग्रेस और हेमंत सोरेन पर हमलावर है। बीजेपी हेमंत सोरेन से इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रही है। वहीं इसी बीच दिल्ली में अलका लांबा ने कहा कि वह विश्वास दिलाती हैं कि पार्टी के भीतर का आदमी या पार्टी के बाहर का आदमी है, अपराध को अपराध के नजरिए से देखा जाना चाहिए।
बता दें कि कानून में जो प्रावधान है उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। हम इरफान अंसारी के बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। सलमान खान सगे भाई जितना क्लोज, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान बोले, यह 100% इंटेलिजेंस फेल्योर। बता दें कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में महत्वपूर्ण घटक दल एनसीपी अजीत पवार गुट के सीनियर लीडर और प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या से पूरा देश दहल उठा। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेकर शासन और प्रशासन पर कई सवाल उठा दिए। अब महरूम बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने अपने पिता की हत्या पर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पष्ट तौर पर इंटेलिजेंस का फेल्यूअर है और जिशान सिद्दीकी ने बताया कि उनके पास जो भी और जैसी भी जानकारी थी वह सब मुंबई पुलिस को बता दी है। पिता के हत्या से सदमे में आए जिशान ने कहा कि पिताजी के मरने के बाद वह सीधी तरह से कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे अब क्या और कैसे करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले देते हुए जिशान ने बताया कि पिता के साथ उनकी हत्या करने की साजिश थी। अयोध्या दीपोत्सव की तैयारी में जुटे 30 लाख वॉलंटियर, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दीपोत्सव स्थल पर 28 लाख दीपक लगाने का कार्य भी अवध विश्वविद्यालय के लगभग 30,000 वॉलंटियर्स ने शुरू कर दिया है। घाट नंबर 1 से लेकर घाट नंबर 25 तक दीपक लगाने का कार्य चल रहा है और आगामी 30 अक्टूबर को 28 लाख दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसको लेकर घाट पर लगे हुए कोऑर्डिनेटर और वॉलंटियर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिसंबर में होगी CTET परीक्षा, जान लीजिए कब आएगा एडमिट कार्ड। आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर साल CTET परीक्षा का आयोजन करता है। CTET का फुल फॉर्म केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसे इंग्लिश में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। बता दें कि CTET 2024 परीक्षा से जुड़े हुए सभी लेटेस्ट अपडेट्स CTET की ऑफिशियल वेबसाइट CTET.NIC.IN पर आप चेक कर सकते हैं। वहीं CTET 2024 एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इसी वेबसाइट से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2024 के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। CTET परीक्षा 14 दिसंबर को होगी और पहले यह परीक्षा 1 दिसंबर को होने वाली थी, फिर इसकी डेट 15 दिसंबर कर दी गई थी। हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते CTET की परीक्षा 14 दिसंबर को होगी। CTET 2024 परीक्षा 136 शहरों में आयोजित की जाएगी। काम करता था परचूनी की दुकान पर और IPS बनकर कर डाली लड़की से सगाई, खुलासा हुआ तो ससुर जी के उड़ गए होश। बता दें कि जयपुर ग्रामीण के प्रागपुरा थाना इलाके में एक युवक ने फर्जी IPS अधिकारी बनकर लड़की से सगाई कर ली, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसका भंडाफोड़ हो गया। लड़की की सच्चाई जानकर लड़की और उनके परिजनों ने माथा पकड़ लिया। बाद में उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस ने फर्जी IPS बने युवक को गिरफ्तार कर लिया। वह IPS के ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में परचूनी की दुकान पर काम करता है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया युवक सुनील धोबी हमीरपुर गांव का रहने वाला है और इस संबंध में लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वे अपनी बेटी की सगाई के लिए लड़का ढूंढ रहे थे और इस दौरान रिश्तेदारों ने सुनील के बारे में जानकारी दी। इस पर वे अपने भाई के साथ हमीरपुर गए और बातचीत की। आरोपी ने बताया कि वह कोटा में कांस्टेबल पद पर 3 महीने तक पद स्थापित रह चुका है, उसके बाद इनकम टैक्स में सिलेक्शन होने के पर राजस्थान पुलिस से रिजाइन दे दिया और फिर अलवर में इनकम टैक्स अधिकारी के पद पर कार्य किया। उसके बाद उसका सिलेक्शन IPS में हो गया। लड़की के पिता ने उस पर विश्वास कर अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ पक्का कर दिया। रिश्ता तय करते समय उन्होंने सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी के आभूषण और नकदी भी भेंट की। कुछ दिनों बाद पीड़ित का बेटा और उसके दोस्त अलवर घूमने गए। वहां उन्हें सुनील के फर्जीवाड़े की जानकारी मिली। सच्चाई सामने आने पर लड़की का भाई सन्न रह गया। उसने परिजनों को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने भी माथा पकड़ लिया और वे पुलिस के पास पहुंच गए। उन्होंने सुनील के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में हेमंत का हर प्लान होगा फेल, बीजेपी ने कर दिया है खेल। जीत का फॉर्मूला देख तेजस्वी और राहुल गांधी की बढ़ जाएगी टेंशन। बीजेपी मौजूदा दौर में दूसरी पार्टियों से कितनी अलग पार्टी है, इसका अंदाजा 2 दिन पहले ही झारखंड में देखने को मिला, जब बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ने अचानक ही झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय को प्रदेश बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। इस फैसले ने कई लोगों को हैरानी में डाल दिया कि बीजेपी ने एक पूर्व अध्यक्ष को कैसे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया।
लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि बीजेपी का यह फैसला हरियाणा की तरह ही झारखंड में भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीजेपी के इस फैसले से हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की नींद उड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि रविंद्र राय का झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनना बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बीजेपी ने इस फैसले के झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार और इंडिया गठबंधन में आखिरी कील ठोक दी है। बता दें कि झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा को पूरे राज्य से रिपोर्ट मिल रही थी कि पार्टी के 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं दिया गया सब बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शर्मा को फीडबैक मिला कि उन सभी पर पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय की अच्छी पकड़ है और शर्मा ने इसी बात की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंचाई और नड्डा ने रविंद्र राय से बात कर उनको नई जिम्मेदारी देने का ऐलान कर दिया। गहलोत, वसुंधरा राजे और पायलट के बिना हो रहे हैं उपचुनाव, सियासी गलियारों में अफवाहों का बवंडर। राजस्थान में आगामी 13 नवंबर को दौसा, झुंझुनू, खीमसर, चौरासी, देवली, उनियारा, रामगढ़ और सलुम्बर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि इस बार ये चुनाव काफी अलग है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सूबे की सियासत के वो बड़े 3 नाम जो अभी तक इस उपचुनाव में नजर नहीं आए हैं, ये 3 दिग्गज नेता हैं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। ये तीनों ही नेता इस बार राजस्थान के उपचुनाव में अभी तक नजर नहीं आए हैं और इसको लेकर राजनीति जो है वो राजस्थान की कई तरह की उसमें चर्चाएं चल रही हैं। कहीं गहलोत पायलट की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो कहीं राज्य में असंतोष की चर्चाएं हैं। कोटा के ही मदरसों में आखिर क्यों पढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा हिंदू बच्चे, आरटीआई के आंकड़ों ने मचाया बवाल। कोटा संभाग में बड़ी संख्या में हिंदू बच्चे मदरसों में तालीम ले रहे हैं। राजस्थान के सभी जिलों के मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों की सर्वाधिक संख्या कोटा संभाग में है। पूरे राजस्थान में इन बच्चों की संख्या का 25% सिर्फ हाड़ौती के 4 जिले कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां से है, जबकि इन जिलों के मदरसों में गैर मुस्लिम शिक्षकों की संख्या न के बराबर है। बता दें कि आरटीआई के तहत हुए इस खुलासे के बाद बजरंग दल बिफर गया, उसने इसे धर्मांतरण के प्रयास की बड़ी साजिश बताया। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट के वकील सुजीत स्वामी ने सूचना के अधिकार के तहत राजस्थान मदरसा बोर्ड से वर्ष 2022-23, 23-24 और 24-25 में सभी जिलों में मौजूदा मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र और छात्राओं की जिलेवार जानकारी मांगी थी और इसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सुजीत स्वामी ने बताया कि राजस्थान के 33 जिलों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों की सबसे ज्यादा संख्या कोटा जिले में है। सुजीत ने बताया कि मदरसों में हिंदू छात्रों के बारे में आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक साल 2022-23 में मदरसों में 1,775 बॉयज स्टूडेंट्स और 1,566 छात्राएं थी, वहीं साल 2023-24 में यह संख्या 1,737 और 1,609 रही थी। साल 2024-25 में यह संख्या 1,600 और 1,456 है। वहीं कोटा संभाग के चारों जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आंकड़े अलग ही तस्वीर बयान करते हैं। कोटा में साल 2022-23 में इन छात्रों की संख्या 162 और छात्राओं की संख्या 183 थी। झालावाड़ में छात्रों की संख्या 120 और छात्राओं की संख्या 100 थी। वहीं बूंदी जिले में 51 छात्र और 62 छात्राएं थी। वहीं बारां में यह संख्या 93 और 89 की थी। साल 2023-24 में कोटा जिले में 171 छात्र और 267 छात्राएं थी और झालावाड़ जिले में यह संख्या 114-105 थी। वहीं बूंदी में 47 छात्र और 50 छात्राएं थी, जबकि बारां जिले में 90 छात्र और 80 छात्राएं थी। वकील सुजीत स्वामी का आरोप है कि शिक्षा नगरी कोटा में पहले भी इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की रैली ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था। अब कोटा संभाग के मदरसा में गैर मुस्लिम बच्चों की संख्या सर्वाधिक होना कुछ अलग संकेत दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देकर उनका बचपन में ही ब्रेन वॉश करने की गहरी साजिश का अंदेशा लग रहा है। उन्होंने राजस्थान के सभी मदरसों का भी भौगोलिक सत्यापन किए जाने की जरूरत बताई है। महाराष्ट्र में बीजेपी कांग्रेस का दबदबा, लेकिन शिवसेना एनसीपी को कितनी सीटें, आ गया है आंकड़ा। नामांकन के चंद घंटे बचे हैं, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। कांग्रेस और ठाकरे गुट के बीच टशन की वजह से महाविकास अघाड़ी में जबरदस्त टक्कर है, तो वहीं महायुति में भी 28 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी ने 25 कैंडिडेट्स की नई लिस्ट जारी की है। इसे तय हो गया है कि महायुति में बीजेपी और महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस का दबदबा रहने वाला है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी को कितनी सीटें मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं और महायुति की बात करें तो बीजेपी ने अब तक 146 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है।
एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने 65 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं अजीत पवार गुट वाली एनसीपी ने 49 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। यानी कि अब तक 260 सीटों पर कैंडिडेट तय हो चुके हैं, लेकिन 28 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। ये सीटें शिंदे गुट, शिवसेना और बीजेपी की बताई जा रही है, और इससे ये साफ है कि बीजेपी कम से कम 150 सीटों पर यहां चुनाव लड़ने जा रही है। 2019 में बीजेपी ने यहां पर 161 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। आज का सुविचार, जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता, जागो, उठो और इसे खुद बदलो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।